हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टाटा इलेक्साई के बारे में। टाटा इलेक्साई अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया है। एट दैट मोमेंट आईटी स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड एंड टाटा इलेक्साई ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ। उसका 52 एक्साई 9500 के करीब है, प्रेजेंट 8100 के करीब है। अगर नीचे मिले आपको डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि ये स्टॉक आई डोंट थिंक सो बहुत नीचे जाएगा। हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो स्टॉक का है वो थोड़ा ज्यादा है, बट डेफिनेटली एवरेज ब्रोकरेज टारगेट देखे उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड नीचे गिरे तभी आपको स्टॉक को लेना है। प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग 81 का है, जो कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक इज वेरी गुड। अगर आप इस स्टॉक का टेक्निकल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। जिस तरह का स्टॉक का मूवमेंट है, इसने ना ही बहुत नीचे का मूव दिखा है ना ही बहुत ऊपर का। सो RSI में 52 एंड MFI में भी 52 है, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरफ का डायरेक्शन ये दिखा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो बहुत ऊपर प्रेजेंटली जाए, क्योंकि आईटी स्टॉक ये स्टार बहुत चल चुके हैं। थोड़ा करेक्शन में अगर ये स्टॉक मिले आपको बाय करना है। सो स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखिए। एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे 200 है, वो 7760 एंड 6980 करीब, स्टॉक का जो बाइंग रेंज मन के आता है वो 7500 टू 7000 आता है। 7000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे अगर आपको आग बंद करके बिना किसी इनविटेशन के लेना है, बट डेफिनेटली वो मार्केट फॉल में लेना है। पर्टिकुलर इसी स्टॉक किसी न्यूज के कारण गिरता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टॉक अगर नीचे आए सो रेंज है 7700 7500 7000, जहां पे आपको लेना है। एट दैट मोमेंट थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि एट दैट मोमेंट इससे भी बढ़िया स्टॉक है जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसमें परसिस्टेंसी से माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ड जैसे दिग्गज कंपनी शामिल है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई लो देखें, आप देख सकते हो 1 वीक लो 7636, यानी बिफोर द रिजल्ट स्टॉक ने यह मूवमेंट दिखा था। आफ्टर द रिजल्ट स्टॉक में बहुत अच्छा बाउंस बैक हमने देखा। वही अपॉर्चुनिटीज अगर आपका बाइंग रेंज 7700 के नीचे, आग बंद करके स्टॉक को एट दैट मोमेंट होल्ड कीजिए। अगर आपका बाइंग रेंज 8000 के करीब है सो स्टॉप लॉस लाके स्टॉक को ट्रेड कीजिए। नीचे मिले फिर से इसी रेंज पे, वहीं पे आपको बाय करना है फ्रॉम द रेंज ऑफ 7000 टू 7700। बॉटम का आई पाने का पाना मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्युमुलेट करना है, बट आपका हॉरिजन लॉन्गर होना चाहिए। 1 मंथ हाई लो देखोगे, 1 मंथ लो 7100, जब मार्केट गिरा था सारे आईटी स्टॉक गिरा थे, ये स्टॉक भी गिरा था, एंड 3 मंथ लो 6500 के करीब। ऐसा नहीं कि स्टॉक में करेक्शन हमने नहीं देखा, क्योंकि अगर 6 मंथ हाई लो देखोगे 6000 टू 9500। सो टाटा इलेक्सा एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे मुझे बेहतर लगता है 7000 पे, क्योंकि 7000 पे अगर बाई करते हो 6000 आपको एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, बट वहां पे आएगा कि नहीं कह पाना मुश्किल, क्योंकि उस रेंज स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो आपको 25% इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फ्रॉम द रेंज ऑफ 7600 7700, रिमेनिंग 25% आपको 7000 एंड अगर 6000 आता है किसी भी कारण 50% आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिलेगा। बट स्टॉक को आपके रडार पे जरूर रखिए। अगर रिसेंटली भी स्टॉक में करेक्शन आता है ड्यू टू आईटी स्टॉक करेक्शन, आईटी सेक्टर करेक्शन, यूएस मार्केट करेक्शन, तब आपको स्टॉक को लेना है एंड डेफिनेटली इस सारे रेंज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट अगर आप देखते हो वहां पे आपको देखना पड़ेगा 7 से 26, यानी 726 करोड़ कंपनी का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखे 238 करोड़ वर्सेस 221 करोड़, नेट प्रॉफिट 185 करोड़ वर्सेस 160 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी में हमने देखा है, 105 150 125 150 160 एंड 185। सो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। बट डेफिनेटली कोई स्टॉक अगर चल जाता है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, नीचे आए तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। सो 10% अगर करेक्शन मिलता है दैट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड जिस तरह का वोलेटिलिटी मार्केट में आईटी स्टॉक में 10% में करेक्शन आना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लार्ज कैप में आ सकता है तो मिड कैप आईटी में क्यों नहीं। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो है पीयर्स के साथ कंपैरिजन। आपको देखना पड़ेगा इन द सॉफ्टवेयर मार्केट टॉप 5 आईटी कंपनीज के बारे में सभी जानते हैं, जिसमें TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech और Tech Mahindra शामिल है। यह 5 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसी के साथ साथ L&T, Infotech, टाटा इलेक्साई तो ऐसे कंपनीज है जो आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। माइंडट्री, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्स। अगर आपके पास एक और स्टॉक ऐड करने का टाइम है आप KPIT को कंसीडर कर सकते हो। सो ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। सो आईटी में हो आपका बास्केट बना के बाई करना है, जिसमें 60 से 70% लार्ज कैप एंड 30 से 40% मिड कैप आईटी कंपनीज होने चाहिए। सो डेफिनेटली टाटा इलेक्साई डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट जब सारे स्टॉक एक साथ करेक्शन में गिरते हैं सो सभी में आपको बाई करना है। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक न्यूज के कारण गिरता है सो न्यूज का कितना बड़ा इंपैक्ट है उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि और बॉटम बन सकता है या फिर बॉटम बन चुका है, देन आपको बाइंग कंसिडर करना है।
अगर हम सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लें, सो एज यू कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स है ऑलमोस्ट 44% ओन करते हैं, एफआई के पास 15%, पब्लिक होल्डिंग 36.71%, जो कि बहुत ही इंपैक्टफुल है। ओवर द ईयर एफआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ा घटा है, बट नॉट अ बिग डील। सो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा ये दिखाता है कि बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर कितने कॉन्फिडेंस है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो नीचे मिले बाय कीजिए, ऊपर की तरफ आए तो प्रॉफिट थोड़ा बुक करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है सो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आस्क योर सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।